हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसी। जी हाँ, तुलसी आप सभी लोग जानते हैं, तुलसी के बारे में भी जानते हैं, उसके गुण के बारे में भी जानते हैं। तो हम आपको आज अपने गार्डन से तुलसी के सीड हार्वेस्ट करेंगे, और कैसे हार्वेस्ट करना है वो भी आपको बताएंगे, और उसके बाद उस सीड को हम लगाकर उसको जर्मिनेट करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। इनके अंदर हम अब सीड को हार्वेस्ट करेंगे। तो हमें सीड का ध्यान रखना है कि हमें जो सीड लेने हैं वो एकदम ब्राउन कलर वाले लेने हैं, ग्रीन कलर वाले नहीं लेने हैं। देखिए, जैसे भी मैंने अभी तोड़ा है सीड, तो इसमें कुछ ग्रीन भी हैं, कुछ ब्राउन भी हैं। तो हम मोस्टली जो ज़्यादा ब्राउन कलर के जहाँ पर मिलेंगे हम वो हार्वेस्ट कर लेंगे। देख लीजिए, अब हम सबसे पहले इसके अंदर, इसका प्रोसेस उल्टा है। हम सीड लगाने से पहले वाटरिंग करेंगे। जिस पॉट में हम लगाएंगे उसमें हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। मिक्सचर के बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन मिक्सचर ऐसा होना चाहिए जिससे पानी तुरंत ड्रेन हो जाए। यानी कि अगर पानी होल्ड होगा तो सीड उसमें सड़ जाएंगे। सीड बहुत छोटे भी होते हैं। तो आप देख लीजिए हमारा जो पानी है वो कितने समय में ड्रेन हो जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो पूरा वाटर है वो एक्स्ट्रा वाटर निकल गया और सोयल को नमी दे गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो ड्रेन हो रहा है। इसके अंदर, सोयल के अंदर हम लेंगे, आपके लिए हमने जो मिक्सचर तैयार किया है वो ऐसा मिक्सचर तैयार किया है कि इससे आपका कभी भी पानी होल्ड हो ही नहीं सकता। हमने इसके अंदर आपको बालू मिट्टी ली है, सिंडर लिया है, और ज़्यादा यदि मान लीजिए बारिश नहीं होती है या फिर पानी बार बार ना देना पड़े, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा कोकोपीट भी मिलाया है ताकि नमी हमेशा बनी रहे जब तक सीड स्प्राउट नहीं हो जाते। क्योंकि एक बार स्प्राउट सीड हो जाएंगे उसके बाद हम दोबारा वाटरिंग करेंगे, उससे पहले वाटरिंग नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो सीड्स हैं वो टोटली ब्राउन कलर के हैं, वो मैंने उसमें ग्रीन वाले अलग कर दिए। अब मैं इनको मैश करके इनके अंदर से जो सीड्स हैं वो निकाल लूँगा। आप देखिए, इसके अंदर जो सीड्स निकल रहे हैं बहुत ही बारीक है। मैं अभी आपको सीड्स की क्लोज क्लिप भी दिखाऊंगा कि सीड्स इसके बहुत छोटे होते हैं, एकदम पोतला का जो प्लांट होता है उसकी तरह ही होते हैं, छोटे छोटे से। इसके अंदर जो ऊपर का हश्क है हम उसको बाहर कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि काले काले जो हैं वो सीड्स हैं। मैं भी आपको और क्लोज़ करके दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए बहुत छोटे छोटे सीड्स हैं। इनको बहुत सावधानी से हमें लगाना होता है, ज़्यादा अगर हम इसको दबाव देंगे तो ये ख़राब भी हो जाते हैं, तो उस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। अब हम देखिए, मैं आपको हाथ में अपने करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या है कि ये जो सीड्स हैं आप दिख रहे हैं, आपको पूरे क्लियर दिख रहे होंगे, ये देख लीजिए, इस तरह के इसके अंदर सीड्स होंगे। जी, इस तरह से आपके सीड्स होंगे। तो इन सीड्स को जर्मिनेट हमें करना है। ये इतने हल्के होते हैं कि ये हवा में उड़ जाते हैं, इसलिए हमने इसकी जो वाटरिंग है पहले कर ली है। अब हम इसको इस पॉट के अंदर देख रहे हैं आप, हमने जो पॉट लिया है मिट्टी का लिया है, और इसको हम इसके नीचे ड्रेनेज के लिए हमने होल किया हुआ है। अब इसको हम इसके ऊपर डालने सभी सीडों को फैला देंगे, और आप देख रहे हैं कि हमारे पॉट में नमी एकदम बनी हुई है। इसी नमी की वजह से ये सीड स्प्राउट होंगे, और हम इसमें दोबारा वाटरिंग नहीं करेंगे जब तक ये जर्मिनेट नहीं हो जाते। जब वो 1-1 इंच के लगभग हो जाएंगे तब हम इसको वाटरिंग करेंगे। अब आप देख लीजिए कितना इसके अंदर मॉइस्चर है। हमारा पॉट तैयार है। अब इसको हम ओपन एरिया में रखेंगे, लेकिन इसको ढक देंगे जब तक ये सेटल नहीं हो जाते सीड्स, क्योंकि अभी ये
अभी अच्छे से अपने सरफेस से चिपके नहीं हैं, कुछ समय बाद अपना ये सेटल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और प्रेस करिए बेल आइकन बटन, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब हम इसको ढककर टेरेस पे रख देंगे। हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम वेट करेंगे अगली वीडियो का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।